नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में, जिसको कि हम नेक अर्थराइटिस भी बोलते हैं या कॉमन लैंग्वेज में सर्वाइकल बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है क्या। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस को जानने से पहले एक चीज़ जानना होगा हमें कि जो हमारे रीढ़ की जो हड्डियों की जो बनावट होती है और उसका जो नेचुरल कर्व है वो कैसा है। तो जो नेचुरल कर्व होता है, खासकर जो गर्दन के पास जो आपका जो नेचुरल जो कर्व होता है, कर्वेचर, वो कॉनकेविटी जैसा होता है। कॉनकेविटी मतलब इस शेप में होगा, हालांकि जिस फोटो में आप देख लीजिए इस शेप में होगा, कॉनकेविटी के फॉर्म में। अब जो सातों जो यहाँ पे टोटल जो है, ओवरऑल जो है रीढ़ की हड्डियाँ टोटल जो है 33 होती हैं, उसमें जो गर्दन के पास जो होती हैं उनको हम लोग सर्वाइकल बोलते हैं और ये सात होती हैं नंबर्स में, C1, C2, C3, C4, C5, C7, 6 और 7। तो उसके जो बनावट के चलते जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो जरा हम देखते हैं। तो अगर नेचुरल जैसा हमें मतलब प्रकृति ने दिया है जो बनावट, उसके साथ अगर हम चले तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। बट अगर हम उसका उसके अगेंस्ट में, जैसे सपोज एज फॉर एग्जांपल, आप जैसे काफ़ी ज़्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप्स का यूज कर रहे हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें जो है गर्दन का मूवमेंट जो है काफ़ी आगे की ओर हो रहा है, या जैसे इस पिक्चर में आप देखें कि गर्दन का जो मूवमेंट है अगर नॉर्मल जो रहेगा तो आपका जो हेड का, हेड मतलब आपके जो माथे का जो वजन आएगा, सर्वाइकल जो आपके जो स्पाइंस हैं उस पर जो वजन, नॉर्मल जो वजन आएगा वो है 12 पाउंड। और यही अगर 2 इंच अगर आपका गर्दन आगे बढ़ता है, आगे की ओर अगर बढ़ जाता है, तो ये 12 पाउंड से हो जाता है 32 पाउंड। और फिर अगर 1 इंच और बढ़ता है, टोटल 3 इंच अगर हो जाए तो ये 42 पाउंड होता है। तो आप खुद देखिए कि गर्दन के मूवमेंट के चलते आपके जो रीढ़ की हड्डियों पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, और यही जो प्रेशर रिपीटेडली जो पड़े जा रहा है इसके ऊपर, उसके चलते जो होता है इन हड्डियों के बीच में एक कुशन होता है, बफर की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है वो, उसको हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। तो ये डिस्क जो है धीरे धीरे जो है सूखने लगता है, डीजनरेट होने लगता है, टूटने लगता है, और धीरे धीरे जो है गैप जो है दो हड्डियों के बीच का जो गैप है वो काफ़ी कम होने लगता है। और जब कम होते होते ऐसा नौबत आएगा कि दो हड्डियां आपस में जब टकराने लगेंगी, तो उस टाइम अगर आप जरा भी मूवमेंट करेंगे गर्दन की, कोई भी मूवमेंट अगर होगी, तो उस टाइम जो है दो हड्डियों के आपस में टकराने से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा, और इसी को हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। हालांकि ये एज के चलते होता है मैक्सिमम केसेस में, बट आपका नेचर ऑफ जो वर्क है, जो गर्दन का जो पोजिशन आप बार बार किस दिशा में रख रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं आप अगर एथलीट हैं या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या सर पे भारी वजन उठा रहे हैं, तो इन सब, या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर हैं, या सोने का पोस्चर आपका सही नहीं है, मोटी तकिया यूज़ कर रहे हैं और गर्दन जो है काफ़ी एक एंगल बन जा रहा है बॉडी के साथ, तो ये सब कंडीशन में जो है इस पर प्रेशर पड़ेगा और इसके चलते जो है डिस्क डीजनरेट करेगा और डिस्क जो है धीरे धीरे टॉर्न होगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, और उसके चलते जो है दो बोन्स आपस में आ जाएंगे। अब क्या होता है कि इनके बीच का जो स्पेस कम गया और डिस्क जो है सूख गया, तो उसके चलते दो बोन्स जो है आपस में छोटे छोटे हड्डियां बनाना शुरू कर देते हैं, स्पर्स बोलते हैं इनको, या ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। ये ऑस्टियोफाइट्स जो है कॉम्पेंसेट कर रहे हैं उसको, जो उसकी भरपाई करने के लिए छोटे छोटे हड्डियां बन रहे हैं। बट ये छोटी छोटी जो हड्डियां हैं जिनको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं या स्पर्स बोलते हैं, ये जो इस बोन्स की जो रीढ़ की हड्डियों से जो स्पाइनल कॉर्ड जो निकलता है, गर्दन से हमारे ब्रेन से होते हुए जो नीचे की ओर जाता है मेन जो ट्रंक होता है, नर्व ट्रंक, और उससे साइड में ब्रांचेज निकलता है, तो वो आपके इन वर्टिब्रा, इन जिसको हम रीढ़ की हड्डियां बोलते हैं या वर्टिब्रा बोलते हैं, इन्हीं के थ्रू जो है निकलता है। तो ये जो छोटी छोटी जो स्पर्स हैं ये उसको पिंच करती हैं उन नर्व्स को, और वो नर्व्स जो है सप्लाई करता है हमें हाथों में, कंधे पे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो काफ़ी ज़्यादा स्टेज अगर बढ़ जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का, तो उस कंडीशंस में जो है आपको नर्व पेन शुरू होगा, और नर्व का पेन जो है इलेक्ट्रिक सेंसेशन की तरह होता है, जैसे टिंगलिंग होगा, नंबनेस, झिनझिन लगेगा, या कभी सुन्न लगेगा, या हाथ पैर में आपका जो है काफ़ी ज़्यादा जोड़ नहीं मिलेगा। तो इस नर्व के चलते भी ये, इस बोनी स्पर जो बना उसके चलते भी ये प्रॉब्लम होता है।
और एक चीज होता है काफी ज्यादा चक्कर जैसा आता है। चक्कर आने का भी कारण बहुत ज्यादा जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन बोला जाता है कि जो रीढ़ की हड्डियों से जो स्पेस होता है जिससे हार्ट से जो निकलता है जो आर्टरी खून की नलियां वो ब्रेन को जो सप्लाई करती हैं वो रीढ़ की हड्डियों से होते हुए जाती हैं, वो भी इन स्पर्श से कंप्रेस हो जाती हैं। ये जो बोन के जो हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये इनको दबाते हैं, जिसके चलते बहुत बार जो है ब्रेन में जो है ऑक्सीजन सप्लाई और ग्लूकोज सप्लाई ब्लड वेसल्स को बंद होने के चलते कम जाते हैं, जिसके चलते जो है बहुत बार डिजीनेस होता है। और क्या होगा, और जैसे ऑक्सीपिटल मतलब पीछे की तरफ हेडेक होगा, पीछे की तरफ हेडेक मतलब दर्द होगा आपको काफ़ी पीछे की तरफ, और उसके चलते और मसल सब में भी बहुत बार देखिएगा कि खिंचाव आ जाता है, और जिसको हम स्प्रेन या स्ट्रेन भी बोलते हैं। इसका और भी कारण है, एक ही पोजीशन में लगातार अगर आप यूज टू हो गए हैं या सो रहे हैं गलत पोजीशन में तो उसके चलते भी ये स्ट्रेन या स्प्रेन जो है हो जाता है। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से कारण हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं। तो और जैसे अगर कारण की बात करें तो आप जैसे बहुत लोगों की ये जैसे आदत होती है ये नाई की दुकान और बार्बर शॉप में सडन जो वो मूवमेंट करते हैं या मसाज करते हैं उससे भी इसको इंजरी होने का चांसेस बना रहता है। तो सडन मूवमेंट ना करें, जर्की मूवमेंट से बचें। दूसरी चीज़ है कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा वेट अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं और गर्दन का काफ़ी ज़्यादा इस स्पाइन का और काफ़ी ज़्यादा सहारा ले रहे हैं तो उस कंडीशंस में, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में, अगर सही पोस्चर में आप नहीं बैठे हैं तो उस कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा मोबाइल्स और लैपटॉप्स ये सब का यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में, उसके बाद वेल्डिंग हो गया या अदर आपका जो नेचर ऑफ वर्क है या कारपेंटर है, जो भी नेचर ऑफ वर्क अगर ऐसा डिमांड कर रहा है कि आपका जो हेड का पोजीशन है काफ़ी आगे आएगा, तो उन सब कंडीशंस में देखा गया है कि ये डिजनरेट करता है और ये सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट आते हैं कि अब अगर ऐसा है तो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट पद्धति जो है क्या क्या है। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि ये जो डिस्क है जो बफर है वो सूख जाता है, उसके लिए करना है कि एज है, एज के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एज तो बढ़ेगा और ये चीज़ सूखेगा, बट अगर कम एज में हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। दूसरा है अगर वेट ज़्यादा है तो वेट रिडक्शन करें, वेट को मतलब कम करने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ है कि अगर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गया और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गया, कुछ मिनरल्स हो गए तो ये इन सब का यूज करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे आपका फिश ऑयल में मिलता है और तीसी का जो तेल होता है वो हो गया एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रिच सोर्स, और कॉड लीवर ऑयल भी है उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, तो इन सब से आपका जो है, या विटामिन ई भी लें सप्लीमेंट, क्योंकि विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है तो जो भी डैमेज प्रोसेस है उसको थोड़ा कम कर देगा ये सब चीज़, ये न्यूट्रिशंस जो है। नेचुरल चीज़ों में देखा गया है टर्मरिक जो है, ये टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, उसके बाद जिंजर टर्मरिक, और अगर हम बात करें तो गार्लिक, तो ये सब का एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, मतलब जो जहाँ स्वेलिंग है इसको ये कम करता है तो इनका भी आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं अगर एक्सरसाइज में तो आप क्या करें, तो एक्सरसाइज में अगर करने की बात आए तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज या स्टैटिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या है, जिसमें आपका मूवमेंट बहुत कम हो, और इससे इस मूवमेंट बहुत कम होगा, एक्सरसाइज हो रहा है बट मूवमेंट काफ़ी कम हो रहा है, और इससे जो है आपके मसल्स जो है नेक के स्ट्रेंथ मिल रहा है, इसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। एज फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा कि आप अपने सर के जो इस राइट साइड से ये हाथों को यहाँ प्रेस करें और कोशिश करें कि सर से भी बल लगाएं और इस हाथ से भी बल लगाएं दोनों से, तो इससे आप देखेंगे कि ये जो है आपका स्ट्रेंथ होता है। या आप दोनों हाथ पीछे कर ले और कोशिश करें कि पीछे करें, लेकिन इन दोनों हाथों से कोशिश करें कि माथा को पीछे ना होने दे, मतलब अपोजिट में काम करें, तो इससे देखिएगा कि आपका जो है स्ट्रेंथनिंग जो है होता है, तो ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोला जाता है। कुछ फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, शॉर्ट वेव डायाथर्मी है, ये बोला जाता है, जॉगिंग कीजिए। उसके बाद आती हैं पेन किलर्स है। हाँ, इसमें एक चीज़ कि अगर आपको जो है सडन अगर इंजुरी हुई है विच मे बी ड्यू टू द, अगर सपोज आप कार से जा रहे हैं सडन एक्सेलरेटर के चलते जो है गर्दन पीछे गया या ब्रेक लगने के चलते आ गया, तो सडन जब भी इंजुरी हो आपको, कोई भी इंजुरी हमेशा याद रखें कि अगर सडन हो तो ऑलवेज यूज आइस, उस केस में बर्फ
यूज़ करें। और अगर वो इंजरी सपोज 3 days to 7 days अगर ओल्ड है, 3 दिन या 7 दिन से ऊपर हो गई है, देन आप हीट का यूज करें, लोकल जो हीट होती है गर्म शेक का यूज करें। नेक्स्ट है कि अगर आप पेन किलर्स में क्या करेंगे, तो पेन किलर्स में है कुछ जैसे सिंपल पेन किलर्स जो है डाइक्लोफेनेक है या पैरासीटामोल हाइफेनेमिक एसिड, बहुत सारा कॉम्बिनेशंस है, उससे भी आप रिलीफ ले सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो बोन इंजरी कहीं भी होता है किसी भी पार्ट में शरीर के, तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो मतलब गाइडलाइंस है, उसको रेस्ट दीजिए, उस जगह को रेस्ट दीजिए। इसीलिए हम लोग सर्वाइकल कॉलर बोलते हैं कि लगाइए। सर्वाइकल कॉलर से जो है आपका मूवमेंट कम हो जाएगा, इसको रेस्ट मिलेगा, तो हीलिंग जल्दी होगा। ये हर जगह के लिए लागू है, कहीं भी बोन में आपका अगर इंजरी होती है तो इस कंडीशन में एक सर्वाइकल कॉलर यूज कीजिए। या अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलर हैं आप, तो आजकल तो ट्रैवल के लिए भी सर्वाइकल कॉलर आती है, ट्रैवलर्स के लिए वो भी मार्केट्स में उपलब्ध है। पोस्चर का आप ध्यान रखें कि जिन पोस्चरों से ये एग्रावेट हो रहा है वो पोस्चर्स पे थोड़ा ध्यान दें। जैसे जो है आप अपना अगर लैपटॉप का जो टेबल है और आपके चेयर के बीच की दूरी एक ऑप्टिमम होनी चाहिए, और नज़र के जो है जो सबसे ऊपरी सतह है लैपटॉप का, वो आपके नज़र के मिलना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। हाँ, बैक रेस्ट होना चाहिए, गर्दन का भी एक रेस्ट होना चाहिए, इस पोजीशंस में आप रहें। अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप सावधानी बरतें कि ये इसका मतलब सडन इंजरी का जो है केसेस है, अगर सावधानी बरतें। अगर कार के रेगुलर आप ट्रेवल कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो उस कंडीशंस में ऑलवेज सीट बेल्ट्स का यूज करें। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं। और अगर सपोज नर्व के चलते अगर पेन होता है, सपोज कि आप देखें कि जो है आपका जो डिस्क सूख गया, और सूखने के चलते जो है दो बोन्स आपस में जब टकराने लगे तो आपको दर्द होना शुरू हो गया, और उसके चलते एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगा बोन्स का, और वो एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है नर्व्स को पिंच करने लगा, जिसके चलते नर्व का तकलीफ होने लगा, नर्व का झंझनाहट, सनसनाहट जो भी, या कमजोरी होने लगा, उस केस में हम नर्व स्ट्रेंथनिंग एक विटामिन B12, मात्र एक यही है नर्व स्ट्रेंथनिंग जो विटामिन B12 आप हम देते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ अगर आपको हो रही है तो नर्व को शांत करने की दवा देते हैं, कूल करने की, जो इरिटेट हो रहा है ना वो छोटे छोटे बोन्स की हड्डियों से, उसको जो है कम करने की दवा देते हैं, इरिटेशन कम करने के लिए। तो इरिटेशन नर्व्स का जो है कम कर देता है और दर्द जो है कम जाता है। हालांकि उसका एक साइड इफेक्ट है कि अगर वो नर्व का को शांत करता है तो हमारे ब्रेन को भी शांत करता है, जिसके चलते नींद जो है एक बहुत यूजुअल सी साइड इफेक्ट है इसकी। तो हम लोग इसमें गावापेंटिन और प्री गावालिन एक टैबलेट है जनरली इसका यूज करते हैं। तो सबसे अब लास्ट अगर हम समअप करें तो ये है कि आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, भागदौड़ की ज़िंदगी में आप नॉर्मल, अगर आपको सपोज काम करना ही है कंप्यूटर पे, लैपटॉप्स पे, और आप यूज्ड टू हो चुके हैं इसके, तो आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, छोटा छोटा एक ब्रेक ले 2 घंटे के अंतराल पे, थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लें, और फिर जो है सोने का जो है देखें कि काफ़ी एक सर्वाइव ऐसा, आप सोने का सिर्फ एक ही चीज़ ऐसा तकिया यूज करें जिससे आपका गर्दन का जो है कर्वेचर मेंटेन रहे, जो कर्वेचर है।